बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी की रैली, कहा टीएमसी बौखला गई, केंद्र के हर काम में अड़ंगा लगाती है। पीएम मोदी ने दिया भरोसा, कहा विकसित बंगाल के लिए ताकत लगा दूंगा, टीएमसी संविधान पर हमला कर रही है। ओडिशा के मयूरभंज में पीएम मोदी का दावा, 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। ओडिशा में बीजेडी के 25 साल के राज पर फुल स्टॉप लगाना तय, 10 जून को बीजेपी का सीएम लेगा शपथ, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी का ऐलान, ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम पटनायक की हेल्थ की जांच के लिए बनाएंगे कमेटी, कहीं कोई साजिश तो नहीं। ओडिशा में सीएम को लेकर बोले बीजेडी नेता वीके पांड्यन, 9 जून को भूमिपुत्र संभालेगा ओडिशा की सत्ता। यूपी के महाराजगंज में बोले अमित शाह, 4 जून को दोनों शहजादे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईवीएम पर फोड़ेंगे हार का ठीकरा। कुशीनगर की रैली में बोले सीएम योगी, सपा सरकार में होते थे दंगे, पिछले 7 सालों में नहीं हुआ एक भी दंगा। गोरखपुर में बोले योगी आदित्यनाथ, पिछले 10 साल में विकास के नए मॉडल आए, योजनाओं का लोगों को मिला फायदा। सीएम योगी का कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर आरोप, संविधान का माखौल उड़ाया, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सलेमपुर की जनसभा में बोले सीएम योगी, सपा कांग्रेस में औरंगजेब की आत्मा है, औरंगजेब को फिर से जिंदा नहीं होने देना है। गाजीपुर से बीजेपी कैंडिडेट पारसनाथ राय ने जीत का किया दावा, कहा पीएम मोदी के काम से मिलेगी सफलता। पंजाब के मोगा की रैली में बोले मनोज तिवारी, यूपी बिहार के लोगों को गले लगाता है पंजाब। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का सीएम योगी पर तंज, कहा वे अपने प्रदेश के नौजवानों को नौकरी तक नहीं दे पाए, तेजस्वी ने यूपी के लोगों को बिहार में नौकरी दी। एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान का बयान, इंडिया अलायंस के पास ना नेता है ना ही नीति, पीएम मोदी को हटाना उनकी प्राथमिकता। राहुल गांधी को चिराग पासवान का जवाब, वो अग्निवीर योजना को नहीं समझ पाएंगे। राहुल तेजस्वी और मीसा भारती का लंच पर डिस्कशन का वीडियो, राहुल बोले लोगों के खान पान को भी कंट्रोल करना चाहते हैं मोदी जी। पाटिल पुत्र के आरजेडी कैंडिडेट मीसा भारती बोली, पीएम का पसंदीदा विषय है विपक्ष के नेताओं को धमकाना और जेल भेजना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की दो टूक, बिहार ने बीजेपी को 39 सांसद दिए लेकिन पीएम ने सब कुछ गुजरात को दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बीजेपी कैंडिडेट सरोज पांडे ने ईवीएम स्ट्रांग रूम का लिया जायजा, कहा टारगेट 400 पार के साथ खड़ा है कोरबा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय प्रियंका गांधी पर पलटवार, कहा कांग्रेस ने खोया लोगों का भरोसा। कांग्रेस पार्टी ने 55 सालों में सिर्फ बिहार को लूटा है, राहुल गांधी को पीएम मोदी से सीखना चाहिए, विष्णुदेव साय का बयान। बनारस में बोले बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, पूरे देश में पीएम मोदी के पक्ष में बहुत बड़ी लहर और तूफान है। हरियाणा बीजेपी नेता अनिल विज का दावा, 4 जून को बीजेपी जीतेगी, तीसरी बार पीएम मोदी बनेंगे नरेंद्र मोदी। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया रोड शो, 7वें चरण में 1 जून को होगी वोटिंग। सीएम ममता का पीएम मोदी को ओपन चैलेंज, कहा सार्वजनिक मंच पर करें डिबेट, खुद तय कर लें जगह। इंटरव्यू में पीएम खुद के लिए सवालों का देते हैं जवाब, उन्होंने देश, संविधान और इंसान तक को बेच दिया, सीएम ममता का आरोप। हिमाचल के कुल्लू में बोली प्रियंका गांधी, मोदी सरकार में खत्म हुआ रोजगार, फैली बेरोजगारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले कंगना को मुद्दों की समझ नहीं, बीजेपी ने हारने के लिए जानबूझकर उन्हें टिकट दिया। बनारस में बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, जनता परिवर्तन के लिए लड़ रही है चुनाव, इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। अमरावती में काउंटिंग से पहले पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, कई जगह चलाया सर्च ऑपरेशन। 2 जून को सीएम केजरीवाल को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के मामले की जल्द सुनवाई के लिए लिस्टिंग करने से किया इनकार। सीएम केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, स्वास्थ्य का दिया था हवाला। लैंडफॉर जॉब केस में राउत रेवेन्यू कोर्ट का सीबीआई को निर्देश, 7 जून तक दाखिल करें कंक्लूसिव चार्जशीट। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बेल, कस्टडी में बिताए समय के आधार पर मांगी थी जमानत। अवैध खनन मामले में पंजाब में 13 स्थानों पर ईडी की रेड, अब तक 3 करोड़ रुपए कैश बरामद। सागर में बरोदिया नैनागिर हत्याकांड के पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव, हर संभव सहायता का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, दहानू रोड पनवेल वसई रोड रूट की सभी ट्रेनें रद्द हुई। गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिले कर्नाटक के मुख्य सचिव रजनीश गोयल, लंबित 3 बिलों पर की चर्चा। बेंगलुरु में सावरकर फ्लाईओवर के साइन बोर्ड पर कालिक पोतने का मामला, एनएसयूआई के 3 कार्यकर्ता रिस्क, भगत सिंह फ्लाईओवर नाम का लगाया था बैनर। श्रीनगर में स्मार्ट ई बसों से हर महीने करीब 5 लाख लोग कर सकेंगे यात्रा, सरकार को रोजाना 3 लाख की हो रही है कमाई। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके के एक 5-स्टार होटल के बाउंसर्स पर केस दर्ज, एक महिला ने पिटाई और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। यूपी के मथुरा में पुलिस अधिकारी से झड़प, 4 आरोपी अरेस्ट। गोंडा के करनालगंज हुजूरपुर में हादसा, कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण के काफिले की एक गाड़ी ने 3 लोगों को रौंदा, 2 बच्चों की मौत, 1 जख्मी। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्ष राज हत्याकांड पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कार्रवाई जारी है, बिहार में अपराध को पूरी तरह से रोकना है। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, हादसे में 12 लोग घायल। एमपी के छिंदवाड़ा में एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 लाख के इनामी महिला नक्सली अरेस्ट, विस्फोटक बरामद। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का सीएम केजरीवाल से सवाल, दिल्ली में समर एक्शन प्लान पर क्यों नहीं हुआ काम। असम में तूफान रेमल से हुई बारिश का असर, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा।